बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर जो है यूटी पावर मैन यूनियन 3 दिन की हड़ताल पर गई है। पूरा चंडीगढ़ इस वक्त अस्त व्यस्त हो चुका है। कई सेक्टरों के अंदर जो है बिजली गुल हो चुकी है और लोग जो है परेशान हैं। इसकी वजह जानते हैं कि ये हड़ताल क्यों की गई है 3 दिन की और क्यों टोटल चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है। हमारे साथ जो है यूटी पावर मैन यूनियन के प्रधान जो है वो साथ हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह है। देखिए सर, चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट आज से बंधन हड़ताल पे है। ये हड़ताल बहुत मजबूरी में करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट जो था, जैसे आपको पता है कि ये एक बहुत ही प्राथमिक अदारा था। पिछले 5 साल से हमने लगभग 1,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार को कमा के दिया है, लेकिन सरकार ने जब कोरोना का दौर चालू हुआ तो सरकार को पता नहीं क्या लगा कि कुछ डिपार्टमेंट बेचने हैं और चंडीगढ़ का बिजली इदारा भी इसमें एक था और इसको बेचने के लिए सरकार ने पता चालू किया। कोई कारण नहीं बनता था कि ये डिपार्टमेंट गाँव के बढ़िया सेवाएं देता था, रेट इसके पूरे देश में सबसे कम थे और हमने लगातार प्रॉफिट कमा के सरकार को दिया। आज सरकार में वोट नहीं थे, लेकिन सरकार ने सारी बातों की देखी करके इस महकमे को बेचने का जब प्रसाद चालू किया तो जब मुलाजमों को पता चला तो मुलाजम मैदान पे आए, संघर्ष में आए, लेकिन सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना और आगे बढ़ते रहे। हमने पता नहीं कितने मेमोरेंडम दिए, लेकिन सरकार ने कभी भी हमें बात के लिए नहीं बुलाया और हमें कोर्टों का सहारा भी लेना पड़ा। 2 बार मानजोग हाईकोर्ट ने हमें स्टे दिया, इस प्रोसेस को रोक दिया, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे वैकेट कर दिया क्योंकि उन्होंने मेरिट पे कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि इसका फैसला 3 महीने के बीच हाई कोर्ट करेगा, लेकिन आज तक भी वो फैसला नहीं हुआ और सरकार ने इसी दौरान, क्योंकि लगभग 1.5 साल हो चुका है फैसला हुआ नहीं, सरकार ने इसी समय दौरान इस महकमे को लगभग भेज दिया। जो टेंडर की प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी है और 871 करोड़ रुपए में जेल द्वारा एमटेन पावर को भेज दिया गया है और हो सकता है आज या कल जो सरकार का ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है उसके हिसाब से इसका LOI जो टेंडर प्रोसेस की होती है उसको जारी कर देंगे। उसका मतलब होता है कि वो उच्च कंपनी को भेज दिया गया है। इसी करके मुलाजमे बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है और मुलाजम क्योंकि नहीं चाहते थे जो महकमा उन्होंने पत्रकार कुर्बानियां देकर बनाया है उस महकमे को कोई कमी नहीं है, हम कमा के दे रहे हैं सरकार को। कारण क्या है जबकि कानून में कोई मुठभेड़ नहीं है इसका कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, क्योंकि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वोट भी नहीं है, उसको सीधा ही किसी प्राइवेट प्लेयर को कैसे दिया जा सकता है। कोर्ट में सुनवाई पेंडिंग है, अब तक तो वेट करते, लेकिन सरकार ने इतनी काली लगा रखी है कि उसको देना चाहते हर हाल में, वो डेडलाइन तय कर रखी है कि 25 मार्च तक इसको कंपनी को दे दिया जाएगा। इसलिए हम संघर्ष के राह में हैं बस्तर कहने की स्ट्राइक। एक बात जो सामने आ रही है कि ये प्रॉफिट में था महकमा बिजली महकमा चंडीगढ़ का और बावजूद इसके जो है ये प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही वैसा तो समझ नहीं आ रहा, इतना बढ़िया धारा जो चल रहा है, क्योंकि हम प्रॉफिट में नहीं है। जो क्राइटेरिया है ऑल इंडिया लेवल का कि लैंड लॉसेज होते हैं हमारे टेक्निकल, वो लैंड लॉसेज 15% से कम होने चाहिए, लेकिन हमारे 10% से कम। क्या कारण है कि हमें बेचा जाए? क्योंकि इलेक्ट्री एक्ट में सभी प्रोविजन नहीं है इसका कि किसी कंपनी को बेच दिया जाए सीधा, उसकी कापरेट बनाई जा सकती है, लेकिन सीधा नहीं बेचा जाता। 100% सरकार ने बेच दिया, इसीलिए हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। संघर्ष करना हमारा धारा को नहीं बचा, इसीलिए संघर्ष के मैदान में 871 करोड़ में ये एमिनेंट कंपनी को बेचा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजली डिपार्टमेंट का यहाँ पे है कितने करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है? सर ये बड़ी अचंभे की बात है, 1,000 करोड़ रुपया तो हमने 5 साल में कमा के दे दिया। 1,000 करोड़ रुपया पर ईयर एनुअल टर्नओवर है हमारे डिपार्टमेंट। जब इतनी टर्नओवर होती है ना तो उससे जो प्रॉपर्टी होती है उसके रेट 20-25 हजार करोड़ से कम नहीं होते और सरकार इसको 871 करोड़ में बेच रही है। और जो हमारी प्रॉपर्टी जमीन वगैरह है इक्विपमेंट की वैल्यू 0 लगा दी। जो जमीन है हमारी 66 KV है, 33 KV है, 220 है, 11 KV है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लाइने है। जो जमीन
रुपया लीज पे दे रही है, 1 रुपया लीज पर ही है। कहाँ तक जाएगा? जो प्राइवेट प्लेयर को दिया 871 में, जिस कंपनी ने खरीदा उसके रेट पूरी देश में सबसे ज्यादा है। इसीलिए लोगों को भी लगता है, जो हमारे साथ बैठी है सर, कोई नहीं चाहता कि महकमे को प्राइवेट किया जाए। उनको पता कि महकमा, क्योंकि जो बिजली महकमा एट प्राइवेट हम रेट दे रहे हैं 300 तक 250 देते हैं, 300 से ज्यादा हमारा रेट बढ़ता है। मैक्सिमम हमारा रेट जो है वो 450 तक जाता है, लेकिन जो कंपनी आई है उसका रेट ही 4.85 रुपये चालू होता है। 25 यूनिट के पास लाया बदल जाता है, 35 यूनिट के पास लाया बदल जाता है, अल्टीमेटली 10 रुपये तक यूनिट चला जाता है उनका। इसीलिए लोगों को लगता है कि जब महकमा प्राइवेट हुआ तो इनको बिजली के बिल देने भी ओके हो जाएंगे। इसलिए हमारे साथ खड़े हैं लोग, क्योंकि हम चाहते हैं इस महकमे को कोई कारण नहीं बनता, कहीं कानून में प्रोविजन नहीं है और कहीं किया कोई नहीं है। जे एंड के में चालू कर रहे थे, 62 रुपये में मुलाजिम आए उसको रोक दिया, पांडिचेरी में किया पांडिचेरी में रोक दिया, चंडीगढ़ वालों ने क्या गुनाह कर रखा है, जबकि हम प्रॉफिट में हैं, हमें क्यों बेचा जा रहा है? यही समझ गया। प्रशासन के साथ आपकी लंबी बातचीत हो चुकी है सारे मसले को लेकर, क्योंकि प्रशासन की एक चिंता यह है कि लोगों की दिक्कत बनने जाएगी, 3 दिन अगर बिजली बंद रहेगी तो बिजली के साथ पानी भी बंद रहेगा, तो उसको देखते हुए आपने लोगों की सहूलत के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था लगता नहीं है कि प्रशासन की तरफ से करी तो गई है, दावे तो वो कर रहे हैं लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं, इसको लेके आप क्या सर ऐसे है जब से प्रचार चालू हुआ था पता नहीं सैकड़ों मेमोरेंडम दे चुके, हमें कभी भी बातचीत तो नहीं मिला। किसी को फांसी पे चढ़ाने से पहले पूछते हैं कि आपकी अंतम इच्छा है, लेकिन हमें तो कोई नहीं पूछा गया। कल बुलाया था हमने, जब बात की एडवाइजर साहब से, जो बातें उनके सामने रखी बहुत अच्छे माहौल में बात हुई, उन्होंने हर बात कहा बिल्कुल ठीक है आपकी बात, कहा करो ठीक है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए क्योंकि उनके प्रभु से बाहर का केस है। वो कहते हैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, और गवर्नमेंट चाहती है गैर कानूनी तरीके से, हम चाहते हैं जो गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं मैटर सब डिसाइड है, लेट द कोर्ट डिसाइड, जो होगा देखेंगे, उससे पहले क्यों करने जा रहे हो? यही हमें धोखा है, इसी करके हम स्ट्राइक में हैं। हम तो पता ही नहीं चाहते कि लोगों को तंगी हो, क्योंकि बिजली के मुलाजिम हड़ताल पे हैं। आप देख रहे हैं कि तूफान चला है, तूफान में बिजली जाती है, जब कहीं बिजली इंटरप्ट हुई होगी मुलाजिम को काम कर नहीं रहा, हम तो रात से स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो बिजली कौन चलाएगा? सरकार ने अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी है, कहीं से आदमी लगा रखे हैं, हो सकता है मेरे ख्याल पता चला पंजाब से बुलाए हैं कुछ आदमी, वो करते होंगे, लेकिन हम मजबूर हैं, हम तो अब लेने पर नहीं जा सकते, नहीं तो कहते जे तो दूर करने आ गए, इसलिए हम तो मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, अगर ये 3 दिन के बाद भी आपकी हड़ताल की और ये समस्या नहीं सुलझती है तो किस तरह की जो है आगे आपकी रणनीति रहेगी? सर हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, जो गैर कानूनी तरीके से गलत तरीके से महकमे को बेचा जा रहा है उसको रोके, क्योंकि कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। आपने जब एक्ट में प्रोविजन नहीं है, एक्ट 2021 अमेंडमेंट बिल जो है अभी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, किस कानून के तहत महकमे को बेचा जा रहा है उसको, हमारी बात सुनती क्यों नहीं सरकार? इसको तब तक रोके ना जब कानून पास होगा, जब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनेगी इंडिया के लिए, हमारा भी कर देना, उससे पहले हमें क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि इसमें प्रोविजन डाल दिया आपने कि जिस दिन से जे कंपनी टेक ओवर करेगी उसी दिन से जे मुलाजिम जो बैठे हैं कंपनी के मुलाजिम हो जाएंगे। आप जायज मानते इस बात को? कहीं भी कानून में प्रावधान नहीं है कि मुलाजिमों का एम्प्लॉय चेंज किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट करने जा रही है। बताओ हमारे पास रोने के साथ चारा क्या है? सही कहना है स्ट्राइक पे। तो इस हड़ताल में जो है बहुत सारी यूनियंस और बहुत सारी पार्टियां भी जो है खुलकर मैदान में आ गई हैं, और प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ जिसकी जो निजीकरण की पॉलिसी है उसको लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। इंटेक के जो है मिस्टर ढींढसा हमारे साथ हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो आगे किस तरह से जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अज का जो है प्रदर्शन चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ अपनी हड़ताल के रूप के इलैक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों दिता गया है, ये सारिया ही जथेबंदियां चंडीगढ़ दी अपनी शमूलियत कर रही है, क्योंकि सरकार गैर कानूनी तरीके के नाल हर एक विभाग को बेचने की कोशिश कर रही है, जिवें बिजली के प्रधान साहब ने दसाया और बिच के बारीकी के नुकते दसे हैं कि किस तरीके कानून छिके टांग के
महकमे नूं वेच रहे हैं। इसे तरह साडा सिटी डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट पब्लिक दे नाल जुड़े हुए, जिहड़े सिद्धम सिद्धी सेवा पब्लिक नूं दिंदे हैं, चाहे पानी विभाग है चाहे ट्रांसपोर्ट है चाहे बिजली है। जदों जो सहूलतां इलैक्ट्रिक डिपार्टमेंट चंडीगढ़ दी पब्लिक नूं वधिया गड्डी दे के उस महकमे नूं बेचणगे, अज पब्लिक साडे नाल क्यों है? क्योंकि पब्लिक दा नाल होण दा वड्डा कारण यह है, पब्लिक नूं 72 घंटे नहीं नजर आ रहे, उन्होंने आने वाला समा नजर आ रहा कि साडे नाल की हो जाना है। क्योंकि जो इन्होंने रेट तय किए दस के गए हैं भाई साहब, उसके नाल जनता के उत्ते इड्डा कु भार पै जाना कि जनता गुलामी दी जंजीरां दे विच दुबारे बन्नी जानी है। और इस चीज नूं लैके मुलाजम नहीं, अज अज समुची चंडीगढ़ की जनता इस रोह दे विच है कि ये कानून जिहड़े रद्द होने चाहिए है। अज ट्रांसपोर्ट दे विरोध मार्च कीता सी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे विच जिहड़ी बस सर्विस है उहदे हर मुलाजम की जिम्मेवारी तय है, उहदा समां तय है किन्ने बजे किन्ने बजे बस ने जाना, उहने टाइम नाल चलना। एक ड्राइवर सारी पब्लिक ने घर पहुंचा के उस तो बाद उसके तो बस नहीं होंगी, अपने साधन से किमें घर जा रहा वो लोगों उस बारे नहीं पता। और जो सहूलत जो रैती पास जिन्ना सरकारी अपने ट्रांसपोर्ट है वो चंडीगढ़ की पब्लिक को देन जा रही है दिंदी है, वो हुण इन्हां ने किलोमीटर स्कीम दी बसा इलैक्ट्रिक बसा पाईआं। साडा इलैक्ट्रिक बसा का विरोध नहीं सी, साडा विरोध सी ठेकेदार दा। तुसीं 20 रुपए कमा रहे हो, हुण 8 रुपए ठेकेदार नूं दे रहे हो, इह किधर दा असूल है? सिटी उह कित्थे जाएगी? और जिहड़ा प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट है किसी घाटे दे महकमे नूं तुसीं ठेकेदार नूं दे के देखो ना, उहनूं किवें प्रॉफिट दे विच लै के आंदा? इह प्रॉफिट दे महकमे नूं तुसीं ठेकेदार नूं दे के मुलाजम का कम नहीं करते, ये जो डिपार्टमेंट घाटे के चल रहे हैं ये आई वास करने वाली गल है। कोई भी मुलाजम है जो जो कम नहीं करता, जेकर इन्ने ने अंकड़ों के मुताबिक साडे महकमे जो प्रॉफिट के विच है जो उन्होंने बेचा जा रहा है कि मुलाजमान की कमाई का नहीं है, मुलाजमान की इनकम के नाल महकमे चल रहे हैं। इन्हों अज जो समर्थन हासिल है बिजली महकमे आने वाले दिनों के, क्योंकि लड़ाई खाली बिजली विभाग की नहीं, यह लड़ाई प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ निजीकरण के खिलाफ कच्चे काम है उन्होंने पक्के करने के जो हक के विच लड़ाई है। यह खाली महकमे की नहीं, आने वाले समय के पूरे चंडीगढ़ की लड़ाई बननी है, सारे चंडीगढ़ के महकमे निजीकरण के खिलाफ है। और आने वाले दिनों के पूरा जल जिमें अज पब्लिक खाली बिजली को लेकर परेशान होने के बावजूद भी इस मुलाजमान के संघर्ष के आप वही गिनती सुनिश्चित की है, चाहे पेंडू संघर्ष कमेटी है, चाहे किसान जथेबंदी है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे रेजिडेंस वेलफेयर जथेबंदी है, सारिया समर्थन इस संघर्ष में है। ये लोगों की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि लोगों को मजबूर कर दिता समय सरकार ने कि जेडे सरकार के फैसले है वो मुलाजमान की जाए लोगों ने ही इनकार, क्योंकि वह सीधा सीधा असर है जो आम पब्लिक से भी जाना, ता करके अब जो संघर्ष है वेदा जो समर्थन है, क्योंकि ये लोग मारू नीतियां ने, खाली मुलाजम मारू नहीं, लोगों ने भी मारने वाली नीतियां ने, लोगों को बहुत वे नुकसान हो गए। अज के बिजली के किसी कारण करके किसी को बिल नहीं भरया जाता, तो दो महीने बिल ना भरे बिजली नहीं कटती। जदों इन्हों कंपनियों ने आना है जिमें अपनी केबल चलती है, जदों थोड़ा उसका जो स्टेट खत्म होंगे नाल की नाल चलता टीवी बंद हो जाता है, इसी तरह बिजली ने भी आना है। फिर मजबूरी भी लोगों की है कि वह प्रशासन देख रहे कि इन्ने इन्ने महंगे बिलों के उत्ते जो लोगों को पे नहीं होने है, इस तरह की नीतियां क्यों बनाई जा रही है? सरकार इस गल पर विचार करे अपनी उत्ते, नहीं तो सरकार को आने वाले समय के इन चीजों के गंभीर सिद्धे टूटने पैने। अज की जी हड़ताल है हड़ताल करने का मोटिव अपने पब्लिक का या मुलाजमान का नहीं, जे हड़ताल वाल दसिया प्रशासन ने चुकया, साड़ी गल नहीं सुनी गई, तत्थां के आधार न नहीं मान रहे हो, तत्थां के आधार को दर दरार करके जेकर फैसले कर रहे पब्लिक जी है उन्होंने फैसले के खिलाफ आम उड़ाने जंग के आई है। सर फिरोज सिंह की तमन्ना अब हमारे समय है, नहीं है देखना है जो उन्होंने बात की। चंडीगढ़ में सबसे हम जीत के कर तो अब ये जो संघर्ष शुरू हुआ है बिजली के खिलाफ, तो
इसको लेके क्या आगे कैसे चलेगी, तो वही रणनीति यहाँ पे चलेगी। जब तक बैठना पड़ा, जब तक तब तक जब तक जान है ये धरना चलेगा। अगर सरकार ये वापस नहीं लेती बिजली का निजीकरण, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारा फुल समर्थन है बिजली महकमे को, जैसे ये हमारे भाई बहते हैं हम इनको फुल सपोर्ट देते हैं। जैसे हम किसानी आंदोलन ये धरना बंद हो गया तो बिजली के साथ पानी भी बंद हो गया और लोगों को जो है इससे बड़ी ज्यादा समस्या जो है झेलनी पड़ेगी। जब भी फैसले लिए ऊपर के स्तर पर कह लो या बहुत आसमान स्तर पर कह लो अधिकारियों ने लिए, लेकिन जनता इसको भुगत रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, जनता ने तो अभी 3 दिन भुगतना है, जो 2 दिन भुगतना है, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी उसका क्या करेंगे? क्यों चुप बैठनी है? आज बिजली प्राइवेट हो रही है, बाड़िया डाड़ियों का सेल हो रही है, कल को स्कूल सेल होंगे। कल को एक चीज देखो कि राइट टू स्पीक का भी लोगों को हक नहीं रखा, जो बंदा बोलता है उसको सरकार उड़ा देती है। ये चीजें देखो, अगर नहीं बोलते इसलिए ये चीजें हो रही है। अगर आज बिजली महकमा सेल होगा, जो कि सबसे प्रॉफिट का महकमा था, सबसे 1000 करोड़ रुपीस पर ईयर इसकी इनका वो प्रॉफिट था, तो उसमें अपनी सेल होती है, तो फिर आगे क्या होगा? मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में अगर हम नहीं बोले तो चंडीगढ़ का पानी हो जाएगा। चंडीगढ़ नहीं, ये मैडम गिल का कहना है कि किसान नेता जो है उनका कहना है कि ये महकमा जो है बिल्कुल अंबानी महकमा बन जाएगा। हमारे साथ सुभाष चावला पहुंचे आई है, हम सुभाष चावला जी से भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रधान है। उनसे जानते हैं कि ये सारी व्यवस्था जो चल रही है लोगों को, और दूसरी तरफ हड़ताल करने वाले भी अपनी जगह कहीं ना कहीं बीत चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आगे इसका हल क्या निकलेगा। हड़ताल करने वाले ही गए, जो नजायज कर रहे हैं वो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हैं। ये समझ नहीं आ रहा जो डिपार्टमेंट मुनाफा दे रहा है उसको प्राइवेट करने का तो क्या है? एक ही बात निकलती है जो मैंने आज प्रेस में भी जारी किया है कि एक इस प्राइवेटेशन की आर में इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कहीं ना कहीं अपनी चहेती कंपनियों के लिए ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई जाती हैं कि वही इसको इसमें पार्टिसिपेट करें और वही ले सके। चंडीगढ़ में भी यही हुआ, 1000 करोड़ रुपए के जो एसेट थे जो हमारे टैक्स के साथ है, चंडीगढ़ के लोगों के टैक्स के साथ बने हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के साथ नहीं। आज उनका बिना कोई पब्लिक ऑडिट कराए हुए उनको 850 करोड़ रुपए दे दिया, जबकि कहते लोग कोई कहता है कि 2500 करोड़ है या कोई कहता है 3000 करोड़ है। होना चाहिए था कि इसका एक पब्लिक ऑडिट होता, उसकी कीमत तय होती, कितना प्रॉफिट है वो सारा पब्लिक डोमेन में होता। इन्होंने दिल्ली में बैठ के फैसला कर लिया कौन कंपनी है, कौन इसके पीछे है, ये सारी उसकी वजह से ये चंडीगढ़ की जनता परेशान हो रही है। ये मामला सिर्फ एम्प्लॉइज का नहीं है, एज ए पोलिटिकल पार्टी में एम्प्लॉइज के समर्थन में हूँ, लेकिन मेरा फर्ज चंडीगढ़ के रेजिडेंट उनके प्रति भी तो नहीं है कि क्या कल को उनको महंगी बिजली तो नहीं मिलेगी। अभी तक का एक्सपीरियंस ये है देश में, जहाँ जहाँ प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली हुई है वहाँ उन्होंने बाद में रेट बढ़ाए। जियो वाला एग्जाम्पल हमारे सामने है, पहले उन्होंने हमें 1 साल के लिए फ्री कर दिया, लोगों को आदत डाल दी कि आप खूब डाटा यूज करो, आज वो मनमर्जी से रेट ले रहे हैं। बहुत से और एग्जाम्पल है हमारे सामने, बिल्डर्स का ले लीजिए, जहाँ जहाँ प्राइवेटेशन हुई है अब हर गरीब आदमी की रीच से बाहर हो गया वो मकान खरीद, यही चंडीगढ़ में होने जा रहा है। मुलाजिमों का कहना है कि जो कंपनी 870 करोड़ और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 20,000 करोड़ का लगभग बता रहे हैं, ये तो इसके लिए महकमे को और जो प्रॉफिट बना के दे रहे हैं जल्दी चंडीगढ़ की मंशा क्या है? मैंने जो कहा है कि देश के अंदर जितनी चीजें बेची जा रही हैं उसमें एक नेक्सस हो गया है 4-6 आदमी, वो कहीं कलकत्ता की कंपनी बन जाती है, कहीं बम्बे की कंपनी बन जाती है, उसके पीछे ही एक पर्टिकुलर जो सत्ताधारी पार्टी के नजदीक लोग हैं ये हर प्रॉफिट वाली चीज उनको बेच रहे हैं, उनको अमीर बना रहे हैं। हमारी आमदनी जो है वो हर साल कम होती जा रही है, गरीब आदमी की आमदनी जो है 1/4 रह गई और इनकी 600% बढ़ गई, तो इसीलिए वो बढ़ी है। इन्होंने कोई हल नहीं चलाया, इन्होंने कोई खेती नहीं की, इन्होंने ये सरकारी कंपनियां जो हमारे टैक्स के पैसे से बनी है, जो पॉलिटिकल पार्टियों ने सालों सालों मेहनत करके इस देश को खड़ा किया उसको बेचा जा रहा है।
इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारे साथ थे सुभाष चावला। बड़ी संख्या में मुलाजिम जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन दिन तक ये हड़ताल इनकी चलने वाली है और आगे की रणनीति अभी जो है यूनियन के पदाधिकारी बैठ के तय करेंगे। राजीव शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए। इसके साथ चंडीगढ़ की जनता ये जो कांग्रेस पिंड कमेटी के साथ ही बोल करके गए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, सीपीआईएम, सीबीआई, ये सारे जो ये बोल करके अकाली दल ये भी साथ है। देश की तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन, चाहे सीटू है, चाहे इंटक है, चाहे एटक है, तमाम संघ ट्रेड यूनियन के साथ खड़े हुए हैं। और आज समय पर हड़ताल चल रही है, आप लोग बैठे हो पूरे देश में सभी राज्यों की राजधानियों में आपके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर तुमने ये कोशिश करी कि चंडीगढ़ का बिजली कर्मचारी, अभी हमारे प्रेस के भाई कह रहे थे कि बिजली बहुत पड़ी हुई है, हमने कहा कि बिजली हमने पब्लिक का है, ये केंद्र सरकार का षड्यंत्र है, क्योंकि ये सरकार षड्यंत्र रचने में माहिर है, इसने जान बूझ करके बिजली को बंद करने का कार्य उन्होंने किया है। हमने बंद करें और अगर हम हड़ताल पर रहते हुए भी अगर बिजली को ठीक करने की कोशिश करेंगे, अपनी विफलता को छुपाने के लिए हमारे खिलाफ सबोर्टेज के केस रजिस्टर करवाएंगे। प्रशासन हमारे से आग्रह करे कि हम इस फैसले को वापस ले रहे हैं, फौरी तौर से हम हड़ताल को खत्म कर देंगे। लेकिन कितने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, कल जो है दोपहर को 2 बजे 3 बजे यहाँ के प्रशासन में बातचीत के लिए बुलाया और बातचीत केवल बातचीत के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए जो हमारा नेतृत्व था उसने एक एक बात को रखा और बिल्कुल प्रशासन कोई जवाब उसके पास नहीं था। क्या कहा है, मेरे बस में कुछ नहीं है, सारा का सारा केंद्र सरकार करवा रहा है, हम आपकी भावनाओं को पहुंचा देंगे। इस निजीकरण के खिलाफ माननीय पर्यावरण